जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो है कुरान और हम का पार्ट 8। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगेन कुरान से जो बहुत ही खूबसूरत लव्ज हैं उनके बारे में हम अपनी नॉलेज एनहांस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इंशाल्लाह ताला दोबारा कुरान के अल्फाज के बारे में थोड़ी सी तहकीक, और इस आयत का ताल्लुक सूरतुल अहज़ाब से है। चौथी आयत है सूरतुल अहज़ाब की, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 4। ओके, इस आयत में अजीब बात की है ताला ने, मा जअल अल्लाहु ली रजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। अल्लाह ताला ने किसी मर्द के दिल, मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे। अल्लाह ताला ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं डाले। मा जअल अल्लाहु ली रजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, बात तो आम सी वाज़ह सी मालूम होती है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर मर्द का जिक्र क्यों है, इंसान का जिक्र क्यों नहीं है। इंसान कहा होता तो मर्द भी होता और औरत भी होती, लेकिन रजुल कहा तो सिर्फ मर्द का जिक्र है। दूसरी बात कि जब अल्लाह ताला दिल का जिक्र करते हैं आम तौर पे, तो दिल को छाती में या सदर में उसका जिक्र होता है। अल-क़ुलूबुल लतीफ़ फ़िस-सुदूर, कुरान में है, जो दिल छातियों के अंदर हैं, दिल इन द चेस्ट, सदर के अंदर हैं। लेकिन इस आयत में सदर के बजाय मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी सदरिही, सदरिही के बजाय मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, जौफ़ का जिक्र है। अब जौफ़ के मायने क्या है? जौफ़ यहाँ से शुरू होता है, यानी आपकी गर्दन से शुरू होकर पेट तक, इसे जौफ़ कहते हैं। सदर सिर्फ छाती को कहते हैं, तो यहाँ जौफ़ का जिक्र क्यों है? मज़े की बात यह है कि इसमें भी एक मुहावरा है, लेकिन इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है उसमें भी बड़ी खूबसूरती है। असल में इंसान, औरत, ये मुमकिन है कि उसके जौफ के अंदर दो दिल हों, वो एक्सपेक्ट कर सकती है, शी कैन बिकम प्रेगनेंट, एंड व्हेन शी इज़ प्रेगनेंट कितने दिल हैं उसके अंदर, कम अज़ कम उसका अपना और बच्चे का दिल, और वो दो दिल सदर में है या जौफ में है, जौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, इसीलिए रजुल का इस्तेमाल हुआ। रजुल के लिए मुमकिन नहीं है, औरत के लिए मुमकिन है, औरत के लिए मुमकिन। तो कलाम में एक दिक्कत है, यानी हर लफ्ज़ अपनी जगह पर। फिर दूसरा आप नोट करें सूरह सफ़ में, सूरह सफ़ आया सूरह नंबर 61, उसमें बनी इसराइल का जिक्र है। अब बनी इसराइल से बात हो रही है, और बनी इसराइल के पहले यानी अक़दमीन, अक़दमुल अंबिया इंदहुम, उनके सबसे पुराने अंबिया के बारे में जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उसके बाद उनके सबसे आखिरी नबी का जिक्र है। उनके सबसे आखिरी नबी कौन से थे? ईसा अलैहिस्सलाम। उनके पहले नबी मूसा, उनके आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर कहा गया है, व इज़ क़ाला मूसा ली क़ौमिही या क़ौमी लिमा तुअज़ूननी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा, मेरी कौम तुम मुझे तकलीफ़ क्यों देते हो? अब अल्फाज को ज़रा ज़हन में रख लें, ए मेरी कौम तुम मुझे तकलीफ़ क्यों देते हो? ये अल्फाज हैं मूसा अलैहिस्सलाम के। अगली आयत में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम मुसद्दिकन, ए इसराइल की औलाद, ए इसराइल की औलाद, बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ एक रसूल बनाकर भेजा गया हूँ जो पिछले रसूलों की और पिछली तौरात की तस्दीक करे। अच्छा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, क्या कौम, कौम का नाम क्या था? बनी इसराइल। लेकिन उन्होंने किन अल्फाज से पुकारा? या कौमी, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम। ईसा अलैहिस्सलाम उसी कौम को पुकार रहे हैं, किसी और कौम को पुकार रहे हैं? उसी कौम को पुकार रहे हैं, लेकिन वो अगली आयत में ही अल्फाज बदल गए एकदम से और कहा, इसराइल की औलाद, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अजीब बात है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरी कौम, मूसा ने कहा मेरी कौम अलैहिस्सलाम, ईसा ने नहीं कहा मेरी कौम। यहाँ तक कि अगर आप तहकीक करें तो पूरे कुरान में कहीं भी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नहीं कहा गया कि उन्होंने अपनी कौम को अपनी कौम कहा। हमेशा कहते हैं या बनी इसराइल, या और मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा कहते हैं या कौमी, मूसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं कहते या बनी इसराइल। दूसरी तरफ अच्छा, समझने की बात यह है कि कौमियत, आपकी जो नेशनैलिटी है, अगर मुझसे कोई पूछे आपकी नेशनैलिटी क्या है, मैं कहूँगा पाकिस्तानी। क्यों? क्यों? पासपोर्ट की वजह से? नहीं, पासपोर्ट तो आर्टिफिशियल सी चीज़ है। असल नेशनैलिटी क्या है आपकी? एथनीसिटी आपकी, आपके वालिद कहाँ से हैं, आपके वालिद कहाँ से हैं?
आपकी कौमियत आपके वालिद से आती है। मेरी एक रैबाई साहब से बात हो रही थी, यहूदियत के आलम से बात हो रही थी, उनके यहाँ जदीद अकीदा ये है कि कौमियत माँ से आती है, यानी अगर आपने जूश होना है तो आपकी माँ लाजिम हो कि वो जूश हो। तो मैंने कहा तुम लोगों का नाम बनी इसराइल क्यों है फिर, नाम तो तुम्हारा बाप पर है, इसराइल के नाम पर नाम रखा है ना अपना। अगर माँ से कौमियत आती है तो उनकी उनकी बेगम के नाम पे होती है तुम्हारी कौम का नाम। फिर दूसरी बात मज़े की, तुम लोग कहते हो कि कौमियत माँ से आती है। मैंने कहा ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता हूँ तुम लोगों की कौमियत माँ से आती है। मूसा अलैहिस्सलाम तुम भी मानते हो मदीन में जाके उन्होंने शादी की है, मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन में शादी की है, मदीन अरब है तुम लोग भी जानते हो, उन्होंने अरब से शादी की है, यानी उनकी तमाम औलाद तुम्हारे नज़दीक अरब है। अगर ये मानने को तैयार हो कि मूसा कौमियत माँ से आती है तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद तुम्हारे यहाँ अरब है, तो जिन अरबों से तुम लड़े हो वो मूसा की औलाद है यार, कुछ रहम कर लिया करो कभी। यू नो, फिर खामोश, जस्ट स्माइल, वी एट द कोशर पिज़्ज़ा, यू नो। अच्छा खैर, वापस इस पे आइए थोड़ी देर। कौमियत का असल ताल्लुक माँ से है या बाप से? बाप से है। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब बनी इसराइल से हैं, इसका मतलब उनकी कौमियत बनी इसराइल। तो वो बनी इसराइल को ख़िताब करते हैं और कहते हैं ऐ मेरी कौम मुझे क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। उन्होंने उनको अपनी कौम इसलिए कहा कि उनकी अपनी नस्लियत उधर से ही है, बाप उधर से है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुमकिन नहीं कहना कि तुम मेरी कौम हो, क्यों नहीं मुमकिन? बाप तो है नहीं, सिर्फ माँ है, और माँ से कौमियत आती नहीं, तो वो यही कहते हैं या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह, उनके लिए मुमकिन नहीं है। अगर वो कहते हैं या कौमी तो मसला हो जाता भाई। दूसरी बात इस आयत में नोट करने की है, वह इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा ए मेरी कौम, यानी अल्लाह ताला ने भी कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किससे कहा, अपनी कौम से कहा। अगली आयत में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर हाफिज़ हो तो हाफिज़ क्या करता है, वो पिछली आयत अगर अगली आयत से मुतशाबे हो तो वो पिछली आयत के अल्फाज चोरी करके अगली आयत में, चलो इतना तो याद करना नहीं पड़ेगा, वो पहले की तरह ही है, आगे का कुछ नया डाल दो। तो पहली आयत में है वह इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, तो मेरी तवक्को थी अगली आयत में होगा वह इज़ क़ाला ईसा लिक़ौमिही, लेकिन वहाँ लिक़ौमिही नहीं है, कि जब ईसा ने अपनी कौम से कहा। वो भी गलती हो जाती, गलती क्या होती, याद एक तो वो खुद उनको अपनी कौम नहीं मानते और अल्लाह ताला भी उनको अपनी कौम नहीं मनवाते, कभी नहीं कहा इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम लिक़ौमिही, कभी नहीं कहा कुरान में। मैंने आपको कल कुछ समझाया था कि कुरान जो है ये किताबी शक्ल में हमारे पास नहीं आया, किताबी शक्ल में लौह महफूज में है, हमें सुनाया गया है कुरान, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में और उनके दिल में, यू नो, अला कल्बिक लितकून मिनल मुमिनीन, सूरत शुआरा की आयत है, नज़ल बिह रूहुल अमीन अला कल्बिक, रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहि सलाम ने आपके दिल पर कुरान उतारा है। तो कुरान की आयत कहाँ जाएगी, कहाँ फिट आएगी, ये सब उनके दिल में मामला हो रहा है और वो सुना रहे हैं, ठीक है ना। सूरह आले इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी अजीब बात की गई है, उनके बारे में कहा गया है इन्ना मसल ईसा इंदल्लाही का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब थुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी ही है जैसी आदम की। अब ज़रा सुने, बात समझ में आती है, क्योंकि खलक़हु मिन तुराब, देखो अगर ईसा की बात समझ नहीं आती कि एक माँ से बच्चा कैसा पैदा हो गया बगैर बाप के, तो फिर आदम की बात तो बिल्कुल ही समझ नहीं आनी चाहिए, ना बाप है ना माँ है, वो तो दुगना मसला है। यहाँ तुम इस मसले में पड़े हो क्योंकि सिर्फ माँ से कैसे पैदा हो गया, वहाँ तो ना माँ थी या बाप था, तो इसी तरह की मिसाल है। लेकिन इसमें ज़रा और गहराई में जाइए, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जब आया है इस आयत में, इस आयत में जो जिक्र आया है इससे पहले 6 दफ़ा जिक्र आ चुका है ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में। अगर आप कुरान को शुरू से पढ़ें अब तक इस आयत तक, आले इमरान की आयत तक, ईसा अलैहिस्सलाम कितनी दफ़ा जिक्र है उनका, 6 मरतबा। आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मरतबा आ चुका है, 6 मरतबा। यानी अल्लाह ताला के हाँ ईसा की मिसाल आदम ही की तरह है, यहाँ तक कि ईसा की मिसाल भी 6 दफ़ा दी गई है और आदम की भी 6 दफ़ा, और इसके बाद बाकी कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल 18 मरतबा मजीद दी गई है, और इसके बाद कुरान में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र 18 मरतबा मजीद बाद में है, मुकम्मल 25 मरतबा ईसा और मुकम्मल 25 मरतबा आदम अलैहिस्सलाम, और दरमियानी आयत 6 इस तरफ 18 उस तरफ, और कहा गया अल्लाह ताला के हाँ ईसा की मिसाल आदम ही की जैसी है। छः इस तरफ 18 उस तरफ और ये बीच में, ये बीच में, राइट।
तो जस्ट द वे अल्लाह टॉक्स. और ये क्या एक वक्त में पता था किसी को? कोई कलाम बोल रहा हो उसको याद रहेगा कितनी दफ़ा ईसा का जिक्र है? किसी साहबी से पूछ लो आदम का जिक्र कितनी दफ़ा है कुरान में, क्या वो ज़बानी बता देगा आपको कि आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा है या ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो इतनी मरतबा? नहीं बता सकता. अब दरमियान की बात आई तो एक और बात सुने. मैंने सूरह बकरा के बारे में आपको कल बताया था कि वो मदीना की पहली सूरतों में से है और उसकी कुछ आयात बिल्कुल सीरत के आखिर में नाजिल हुई हैं. यानी पूरा मदनी दौर सूरह बकरा का कुछ ना कुछ हिस्सा आता रहा है. अच्छा, अब तमाम सूरत नाजिल होने के बाद इस सूरत की कितनी आयात हैं? 286, 286. मैंने ठीक कहा 286? ओके, वेरी प्राउड, माई मॉम विल बी प्राउड अगेन. ओके, 286 आयात. अच्छा, इस सूरत की एक आयत है वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इसी तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया, हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया. ये सूरह बकरा की आयत है. अब सोचने की कोशिश करें, ये आयतें जो नाजिल हो रही हैं सूरह बकरा की, इस दौरान क्या और सूरतों की आयतें भी नाजिल हो रही हैं? हो रही हैं. और वो और मुख्तलिफ सूरतों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कौन सी आयत कौन सी सूरत में जाएगी, उन्हें मालूम है वही के तौर वही के ज़रिए उनको मालूम है कौन सी आयत कहाँ जाएगी. अब पूरा कुरान जमा हो चुका और कुरान नाजिल हो चुका, अब सहाबा ने पूरा कुरान याद कर लिया. अगर आप सहाबी से भी जाके पूछें, किसी हाफिज से जाके पूछें सहाबा में से, आयत नंबर 50 कौन सी है, आयत नंबर 60 कौन सी है, उनके यहाँ आयत नंबर है कि नहीं है? हाँ, उनका तो हिफ्ज़ है, उन्हें पता है आयत ख़त्म कहाँ होती है, आयत शुरू कहाँ होती है. ये नंबर वगैरह का चक्कर तो बाद की बात है, जब किताबी शक्ल में कुरान प्रिंट होना शुरू हुआ और ये रेफरेंसेस आने शुरू हुए, उस ज़माने में कोई नहीं कहेगा सूरह नंबर 33 आयत नंबर 6, इस तरह कोई बात नहीं करेगा. वो याद नहीं सूरह अहज़ाब की आयत, इस तरह बात करेंगे वो, समझ लें ना. अब हमें पता है कि बकरा की 286 आयत हैं, अब हमें मालूम है. इन 286 आयत में एक आयत है वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, इसी तरह हमने तुम्हें क्या बनाया, दरमियानी उम्मत. दरमियान की आयत है आया नंबर 143, बिल्कुल हाफ उसमें कहा है हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया. दरमियान का लफ्ज़ सिर्फ दरमियानी आयत में इस्तेमाल हुआ है 286 आयत में से. सुभान अल्लाह, हाउ इन द वर्ल्ड. और ये भी नहीं कि किसी ने दावा किया देखो तो सही है, देखो कहाँ दरमियान में आया, ये भी नहीं. अब से क्योंकि दरमियान की और बैलेंस की बात हो रही है, दो तीन मिनट रह गए, एक और आखिरी मिसाल आपको दे दूँ अल्फाज की. अल्लाह ताला सूरह मुद्दस फकबर व रब्बका फकबर व थियाबका फतहिर, रब्बका फकबर के माने अब सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान करो, और सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान करो. आयत का पहला हर्फ है वाह. वाह के अरबी में तकरीबन 19 फ़ायदे हैं, यानी 19 वजहों से इस्तेमाल होता है. उनमें से एक वजह है एंड या और, जिसे उर्दू में कहते हैं और. इसके और मायने भी हैं, वाउल इस्तेनाफ भी कहते हैं. वाउल इस्तेनाफ उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपने नया जुमला शुरू करना हो. इंग्लिश में जब नया जुमला शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं ना. पुरानी अरबी में वाव का मकसद ये भी था कि ना सिर्फ एंड हो बल्कि नए जुमले की एक अलामत है कि वाव इस्तेमाल हो रहा है, वाउल इस्तेनाफ कहते हैं. अच्छा, वाउल इस्तेनाफ को छोड़ के बाकी आयत रह गई रब्बका फकबर, अब सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान करो. पहला हर्फ रब्बका में रा है, रब्बका. आखिरी हर्फ गौर से सुनना, रब्बका फकबर. आखिरी हर्फ क्या है, शुरू में रहे हैं आखिर में रहे, सुनाई दिया. अब दूसरा हर्फ सुनना, रब्बका. दूसरा हर्फ क्या है, बा और बे पे कुछ सुनाई दिया, कुछ बे पे मजीद कुछ तशदीद है, शद्दा है ना बे पे, रब्बका. अब दोबारा सुनना आखिर में, रब्बका फकबर. पहला हर्फ रहा, आखिरी हर्फ रहा, दूसरा हर्फ बा तशदीद के साथ, आखिरी से दूसरा हर्फ रहा बा तशदीद के साथ. अच्छा, रब्बका. तीसरा हर्फ क्या है, काफ. रब्बका फकबर, रब्बका फकबर. तीसरा हर्फ काफ है, आखिर से तीसरा हर्फ कौन सा है, काफ है, फिर दरमियान में फा है. रब्बका फकबर, सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान करो. आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने जुमला लिखना हो किसी भी ज़बान में जो शुरू से आखिर तक बैलेंस हो, यानी उसका अक्स हो, यही अल्फाज पहला हर्फ आखिरी हर्फ एक हो, दूसरा और दूसरा सेकंड लास्ट, तीसरा और थर्ड लास्ट एक हो, इस तरह का जुमला हो, अगर आप इस तरह का जुमला बना भी सकें तो लिखना तो पड़ेगा ना, लिखना तो पड़ेगा. और अगर बोलना भी हो तो एक दफ़ा में बोल के निकल आएगा कि बार बार सोचना पड़ेगा,
बार बार तो सोचना पड़ेगा। और अगर आप बना भी लें इस तरह का जुमला, तो दो मसले होते हैं जुमले में। एक होता है जुमला, जुमले की आवाज़, उसके हरूफ। दूसरा मसला होता है जुमले के मायने। तो अगर आपका सारा जोर स्पेलिंग पर है तो क्या चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई? मायने तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। आप मायने कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपका सारा मसला अब स्पेलिंग हो चुका है। कुरान की खूबसूरत आयत है, सिर्फ अपने रब की बड़ाई बयान कर। इसके मायने हैं, इसके मायने हैं, और मायने के साथ ही तकरीब पूरा बैलेंस है, सुभानअल्लाह। और ये भी कितनी दफ़ा में, इसमें कोई एडिटोरियल प्रोसेस है कि एक दफ़ा कहा नहीं छोड़ो इस आयत को ऐसे कर दो, यहाँ डाल दो फिर ये बेहतर निकलेगा, फिर बैलेंस हो जाएगा, इस तरह का कोई मसला है? आयत एक दफ़ा कही गई, याद की गई, सुनाई गई, जिक्र किया गया, यहाँ तक कि रसूल ने खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि देखो रा को शुरू में और रे को आखिर में, बा को उसके बाद, बा को आखिर में, देखो ये सब को वो तो कह भी नहीं सकते थे। वो मा कुंता तत्लू मिन क़ब्लिही मिन किताब, वो तो पढ़ते ही नहीं किताब, उन्हें तो रे रा और बा और काफ इन हरूफ का तो उन्हें इल्म भी नहीं आता, उन्होंने उनको इन चीज़ का इल्म भी नहीं दिया, उन्हें तो सिर्फ वहीं से कुरान पढ़ना सिखाया गया है अलैहिस्सलाम। और अब आके हम इस दौर में यही कुरान पढ़ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। ये अल्फाज अल्लाह ताला के ही हो सकते हैं, ये इंसान की कुदरत में नहीं है इस तरह की बात करना, यू नो। तो ये कुछ थोड़ी सी मिसालें थी आज के लिए इंशाल्लाह ताला। अब कल जो, नाउ द एक्साइटिंग स्टफ बिगिंस बिस्मिल्लाह, कल इंशाल्लाह कुछ कंपैरिजन करेंगे कुछ आयात का आपस में। कल आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, मदीने के शहर के दो नाम हैं, इसको अलमदीना कहा जाता है और क्या कहा जाता है, यसरिब। तो एक दफ़ा यसरिब का इस्तेमाल है, कई दफ़ा मदीने का इस्तेमाल है, इसमें क्या फ़र्क है? एक दफ़ा कुरान में इस शहर को मक्का कहा, दूसरी दफ़ा बक्का कहा। अब ये क्यों कहा? इस अगर कोई पूछे, तनकीद करने वाला पूछे, जहाँ मक्का लिखा है वहाँ बक्का लिख दो, जहाँ बक्का लिखा है वहाँ मक्का लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं? तो इन सवालों का जवाब इंशाल्लाह ताला कल कुछ एक्सप्लोर करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगेन वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में जब मैंने सुना था कि आदमी के सीने में एक दिल है, तो आई वॉज बिट सरप्राइज कि ऐसे कैसे कि आदमी के सीने में एक दिल है, बिकॉज वो तो सब लोगों के सीने में एक ही दिल होता है, क्योंकि इंसान हो चाहे जानवर हो, पंछी हो, जो भी हैं, सबके पास दिल होता है जो कि एक ही होता है। बट इमिडिएटली यू नो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई गॉट टू नो कि वो उन्होंने इसलिए बोला है, उन्होंने सदर और ज़ैफ दो वर्ड यूज किए थे। सदर का मीन्स है हमारा सीना, तो आदमी के सदर में मीन सीने में एक दिल होता है, बट जो एक्सपेक्टेड लेडीज होती हैं जिन्होंने कंसीव किया होता है, तो उनके ज़ैफ में दो दिल होते हैं। ज़ैफ होता है वो हमारे शोल्डर से लेके हमारे स्टमक तक का पोर्शन होता है, जिसको ज़ैफ बोलते हैं। और ज़ैफ उन्होंने इसलिए यूज किया था कि औरत के ज़ैफ में दो दिल होते हैं, बिकॉज जब वो कंसीव करती हैं और उस टाइम पे उनकी बॉडी में एक अपना दिल और दूसरा बच्चे का दिल होता है। अगर सिंगल प्रेगनेंसी है तो एक दिल, अगर ट्विंस हैं तो तीन दिल हो जाएंगे, एक मदर का और दो बच्चों के। तो इस वे में उन्होंने मेंशन किया था कि आदमी के सदर में एक दिल होता है और औरत के ज़ैफ में दो दिल होते हैं। तो सदर एंड ज़ैफ टू न्यू वर्ड्स आई हैव लर्न टुडे। तो जब भी मैं कुरान और हम पे रिएक्ट करती हूँ, मुझे कोई ना कोई नया वर्ड जरूर सीखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मुझे ज़ैफ और सदर दो नए वर्ड सीखने को मिले हैं, बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद जो यू नो सेकेंड इस वीडियो में लेटर ऑन जो उन्होंने बयान किया था कि कुरान में ऐसी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कुछ वर्ड हैं जो एक वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है सेकेंड वर्ड का लास्ट वर्ड सेम है, मिडल वर्ड देन सेम है, उसका जो लास्ट वर्ड है वो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है। तो ये चीज़ ना बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज किसी भी बंदे के लिए ये चीज़ याद करना कि मैं कुछ भी पैरा लिख रहा हूँ या कुछ भी बुक लिख रहा हूँ या कुछ भी एक्स वाई जी मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो उस चीज़ का अगर हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि उसके वर्ड्स सेम सेम होने चाहिए, फर्स्ट लेटर शुड मैच विद द लास्ट वर्ड, मिडल वर्ड अगेन शुड मैच विद ईच अदर, वो थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज हम लोगों को फिर उनके मीनिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट कुरान में किसी मीनिंग के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ में लिखा गया है। और दिस इज़ रियली समथिंग अमेजिंग कि वर्ड टू वर्ड कैसे मैच किए गए हैं, बिकॉज अगर कोई बंदा कुछ भी चीज़ लिखता है तो नॉर्मली लिखते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वर्ड्स पे भी इतना ज़्यादा अटेंशन पे करें कि ये चीज़ें भी मैच करनी चाहिए। और अगर हमने इस शख्स का जिक्र 25 टाइम्स किया है तो इसका भी 25 होना चाहिए। अगर हमने ये वर्ड जैसे जिंदगी और मौत का, हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में भी देखा था कि अगर जिंदगी इतनी बार है तो मौत भी इतनी बार मेंशन होना चाहिए,
तो ये सारी बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं जो कुरान में मेंशन की गई हैं। मीन्स ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि जो कुरान है उसे एक्चुअली वो अल्लाह के खुद के वर्ड हैं जो उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उतारे थे और उसके बाद में वो कुरान में एज अ बुक लिखे गए थे। बिकॉज एक नॉर्मल बंदा ना लिख ही नहीं सकता ये सारी चीज़ें। अगर हमें कोई एक पहरा दे और बंदे को सुनाओ तो क्या होगा, आप उसका पूरा ना पैराफ्रेजिंग कर देंगे। पैराफ्रेजिंग हर बंदा कर देता है बिकॉज टू द वर्ड याद रखना कोई भी चीज़ किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती। मैं दूसरे बंदे को बताऊंगी पैराफ्रेजिंग करके, वो बंदा किसी और को जब बताने लगेगा वो अगेन उसकी पैराफ्रेजिंग कर देगा। तो ऐसे करते करते लैंग्वेज ही चेंज होती रहती है हर पैराग्राफ की। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुरान में लिखी हुई हैं और हर बंदे को अमेज करती हैं कि कैसे इतनी चीज़ें बिल्कुल नाप तोल के लिखी गई हैं। आई एम रियली वेरी सरप्राइज एंड आई हैव नो वर्ड टू सी एनीथिंग एल्स अदर देन दिस। तो आप नेक्स्ट एपिसोड भी देखना मत भूलिएगा। और ये जो पीछे से थोड़ी सी नॉइस आ रही है प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिए बिकॉज आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।